हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम करने वाले हैं शुभारंभ बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वन में है। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर वन, जो कि है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस बिजनेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से इनको समझना पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा इसमें करने के लिए आता है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मीनिंग या फिर मतलब और डेफिनेशन बिजनेस कम्युनिकेशन की क्या होती है पहले वो जानेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाई कलेक्टिव एफर्ट्स विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फील्स सॉरी फैक्ट्स थॉट्स ओपिनियंस और इमोशंस ऑफ पर्सन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। फील्स नहीं था वो, फैक्ट्स था। ठीक, मैंने गलत पढ़ लिया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कैसे हो सकते हैं। ठीक है, वो कलेक्टिव एफर्ट्स के थ्रू अचीव हो सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब सबका एक कलेक्शन हो, जो भी एफर्ट्स हैं सबके एफर्ट्स लगे, तब वो ऑब्जेक्टिव्स, जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होंगे किसी पर्टिकुलर बिजनेस के, वो अचीव हो सकते हैं। विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। वो पॉसिबल कब होंगे? जब आप अपने फैक्ट्स को एक्सचेंज करोगे, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करोगे, ओपिनियंस को एक्सचेंज करोगे, या फिर किसी भी पर्सन के सॉरी इमोशंस को। ठीक है, वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जो भी लोग हैं उनके थॉट्स, उनके फैक्ट्स, उनके ओपिनियंस, ठीक है, जब सब चीज़ें शेयर होंगी, ठीक है, तब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो, जो भी आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? किसी से बात करना, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना, सामने वाला उसका रिस्पॉन्ड करे, आपको उसका आंसर दे। ठीक है, तो वही चीज़ कम्युनिकेशन होती है। आप रोज करते हो अपने डेली लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने उनके साथ, जो भी है। ठीक है, तो कम्युनिकेट तो डेली लाइफ में करते ही हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिलेट करोगे आप अपनी डेली लाइफ से चीज़ें इस चैप्टर की वजह से। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो होती क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज एन इंटरकोर्स बाय वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स और मैसेजेस। ठीक है, कम्युनिकेशन एक इंटरकोर्स है बाय वर्ड्स। ठीक है, हम शब्दों के थ्रू अपनी बात रखते हैं, लेटर्स या फिर सिंबल्स के थ्रू अपनी बात रखते हैं, मैसेजेस के थ्रू बात रखते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब चलाते हो, अच्छे से पता होगा। एंड इज अ वे दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स शेयर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद अनदर। ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करते हैं वर्ड्स के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, और ये एक ऐसा तरीका है कि जो बिजनेस में मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं, वो शेयर करते हैं अपना जो भी उनका कहने का मतलब होता है या फिर जो भी उनके ओपिनियंस होते हैं वो उनको शेयर करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उस कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। ठीक है, कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने फैक्ट्स को, अपने आइडियाज को, अपने ओपिनियंस को, अपने इमोशंस को विद टू और मोर पर्सन। एक दूसरे, अगर आप दो जने बात कर रहे हो या फिर आप 10 लोग बात कर रहे हो, 50 लोग बात कर रहे हो, तो आप अपने फैक्ट्स को, आइडियाज को, ओपिनियंस को एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, तो वो होता है कम्युनिकेशन, बेसिकली बात करना, अपनी बात सामने तक पहुंचाना, सामने वाला आपकी बात का रिस्पॉन्ड करेगा, वही सब चीजें कम्युनिकेशन होती हैं। ठीक है, डेली लाइफ में बहुत सारा कम्युनिकेशन आप करते हो तो काफी सारी चीजें आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, बारी आती है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या क्या फीचर्स? देखो, सबसे पहली चीज नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बात एक ही है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। नंबर वन है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्संस। ठीक है, अच्छी, हाँ सही बात है, जो कम्युनिकेशन है उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए एटलीस्ट टू, कम से कम 2 लोग वहाँ इन्वॉल्व होने चाहिए। ठीक है, अकेले तो बात नहीं कर सकते ना, कुछ लोग करते भी हैं, शीशे में देख के लग जाते हैं बात करना। ठीक है, पर यहाँ पे वो कम्युनिकेशन नहीं, हम यहाँ पे एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वहाँ पे कम से कम 2 लोग होने चाहिए, क्योंकि बिजनेस में बैठ के शीशे से बात थोड़ी करोगे। ठीक है, देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन इन कम्युनिकेशन, वन इज अ सेंडर एंड द अदर इज अ रिसीवर। ठीक है, 2 लोग कौन कौन? कम्युनिकेशन के अंदर 2 लोग आने चाहिए, एक तो होगा सेंडर, एक होगा रिसीवर। ठीक है, सेंडर कौन? जिसने बात बोली, ठीक है, जिसने इनिशिएट की वो चैट या फिर वो टॉक। ठीक है, रिसीवर कौन होगा? जिसने वो बात सुनी या फिर मैसेज रिसीव किया, वो हो गया रिसीवर। ठीक है, आपने अपने दोस्त को मैसेज भेजा, ठीक है, तो आप कौन हो गया? सेंडर। आपका दोस्त कौन हो गया? रिसीवर। द पर्सन हु कन्वेज मैसेज और डायरेक्टिव्स इन रिटन, ओरल और जेस्टरल फॉर्म इज नोन एज सेंडर, एंड द पर्सन हु रिसीव्स और लिसन टू दीज मैसेजेस इज रिसीवर। जो मैंने बात हिंदी में बताई वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है। वो पर्सन जो कन्वे करेगा मैसेज डायरेक्टिव इन रिटन, या फिर या तो वो लिख कर बताए, या फिर वो ओरली बताए, या फिर वो जेस्टरल फॉर्म में बताए। ठीक है, जेस्टरल तो पता ही होगा ना, अपने हाथों से इशारे करना, आंखों से इशारे करना, लिप्स से इशारे करना। ठीक, तो उस चीज में वो बताए दूसरे को, वो तो हो गया सेंडर। ठीक है, रिसीवर कौन हो गया? पर्सन हु रिसीव्स और लिसन टू दीज मैसेजेस, जो आपकी बात समझ रहा है, सुन रहा है, जो आपकी जेस्टर्स को देख के एक्शन ले रहा है, वो हो गया रिसीवर। ठीक है,
तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कहें या फिर फीचर कहें वो हो गया कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन। कम्युनिकेशन में दो लोग इन्वॉल्व होने ही चाहिए कम से कम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस वाइटल इन कम्युनिकेशन। ठीक, मैसेजेस वाइटल इन कम्युनिकेशन। द मैसेज इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन कम्युनिकेशन। देखो भाई, जो कम्युनिकेशन है उसमें एक मैसेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसी पागल पागल थोड़ी हो थोड़े से जो कुछ भी बोल दोगे। ठीक है, वहां पे कुछ मैसेज होना चाहिए, कुछ तो बात होगी ना। जब आपको कुछ चैट, कोई टॉक आपको इनिशिएट करनी है किसी पर्सन के साथ, तो वहां पे कुछ बात रखनी पड़ेगी आपको। तो वहां पे उस मैसेज का होना बहुत जरूरी है, कोई इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, द मैसेज इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन कम्युनिकेशन। दैट इज मैसेज थ्रू लेक्चर। ठीक है, ऑर्डर, सजेशन, डिस्कशन, एडवाइस, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई लेक्चर हो, कोई ऑर्डर हो, ठीक है, कोई सजेशन हो, आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हो, कोई डिस्कशन कर रहे हो, आप कोई एडवाइस दे रहे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल, मतलब सॉरी, वो मैसेज में सारी चीज़ें आती हैं। कम्युनिकेशन नेसेसरीली कन्वेज सम मैसेज। कम्युनिकेशन जो है एक मैसेज कन्वे करता है दूसरे पर्सन को जिससे भी आप बात कर रहे हो। ठीक है, फिर चाहे वो 5 हो, 50 हो, 500 हो। ठीक है, आप अपना कोई मैसेज उन तक पहुंचा रहे हो। विदाउट अ मैसेज कम्युनिकेशन हैज नो रिलेवेंस। अगर आपके पास कोई मैसेज नहीं है तो कम्युनिकेशन का मतलब ही खत्म हो गया। ठीक है, जब आपके पास करने के लिए बात ही नहीं है तो क्या कम्युनिकेशन, क्या सेंडर, क्या रिसीवर। ठीक है, तो मैसेज एक वाइटल रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। ठीक, ये तो सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। कम्युनिकेशन मे बी रिटन, ओरल और जेस्टरल। अभी ऊपर पढ़ते हुए आ रहे थे पर ये एक फीचर बन गया अलग से। कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और जेस्टरल भी हो सकता है। ठीक, कम्युनिकेशन इज जनरली रिटन और ओरल बाय बट द जेस्चर ऑफ लिप्स, आइज, हैंड्स एटसेट्रा ऑल्सो इज अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेशन इज जनरली रिटन और ओरल। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होते हैं किसी बिजनेस में या आपकी डेली लाइफ में, आपके घर में, आपके फ्रेंड्स के साथ, वो कैसे होते हैं, या तो रिटन या फिर ओरली। ठीक है, रिटन भी कम, ओरली ज़्यादा होते हैं। बट द जेस्चर ऑफ लिप्स, आइज, हैंड्स, देखो भाई, होठों से इशारे, आंखों से इशारे और हाथों से इशारे भी एक अलग चीज़ है, वो भी कम्युनिकेशन में ही आता है। ठीक है, करते होगे, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा, रिलेट करो यहाँ से और इमेजिन करो क्या क्या आपने करे हैं इशारे, ऐसे कमेंट में बताना, मुझे भी हंसी आएगी शायद सुन के। ऑल्सो इज अ सिग्निफिकेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, तो ये भी एक अच्छा तरीका है कम्युनिकेट करने का। दस कम्युनिकेटिंग में भी ओरल, रिटन और जेस्ट्रल। इसीलिए कम्युनिकेटिंग जो है वो ओरली भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है और जेस्ट्रल भी हो सकती है। आगे है हमारा पॉइंट फोर, वो है कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो टू वे प्रोसेस है। इट इज अ टू वे प्रोसेस एज अ सेंडर कन्वेज द मैसेज टू द रिसीवर एंड द फीडबैक इन रिटर्न इज रिसीव। टू वे मतलब वो सिर्फ एक पर आधारित नहीं है वो चीज़। ठीक है, वन साइडेड नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, वो वन साइडेड नहीं है, वहाँ पे टू वे प्रोसेस है। ठीक है, आप अकेले उसमें नहीं हो, वो दो तीन, आप मैक्सिमम दो, मतलब एटलीस्ट दो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट इज अ टू वे प्रोसेस एज द सेंडर कन्वेज द मैसेज टू द रिसीवर एंड द फीडबैक इन रिटर्न इज रिसीव। आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, हाय, ठीक, उसका रिप्लाई आया हेलो, तो आप सेंडर, वो रिसीवर, उसने आपको रेस्पॉन्ड किया आपके मैसेज का और वही टू वे प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो ये एक फीचर हो गया, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। आगे है हमारा कम्युनिकेशन एज अ टूल ऑफ बिल्डिंग रिलेशंस। कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है जो रिलेशंस बिल्ड करता है। आपके जो भी इस समय दोस्त हैं, अगर आपने कभी उस बंदे से या उस बंदी से बात ना करी होती, क्या वो आज आपका दोस्त होता? नहीं होता। ठीक है, तो आप आज जो भी हो, जो भी आप फ्रेंड हो या फिर वो हो, तो वो क्यों हो? क्योंकि आपने कभी बात करी होगी। ठीक है, मैसेजेस, मैसेजेस नहीं, आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी होगी, ली होगी, या फिर कोई भी मैसेज आपका गया होगा, तो कम्युनिकेशन वहाँ हुआ होगा, तभी आपका रिलेशनशिप या फिर आपका रिलेशन बन पाया, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो आपकी फ्रेंडशिप बन पाई। कम्युनिकेशन एक्ट एज अ टूल टू एस्टैब्लिश, डेवलप एंड स्ट्रेथन रिलेशंस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल है, वो एस्टैब्लिश करता है, डेवलप करता है, स्ट्रेंथ लाता है उन रिलेशंस में। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, हम यहाँ बिजनेस से भटक रहे हैं कभी कभी, तो उसके लिए सॉरी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन एक ऐसा टूल, एक टूल की तरह वर्क करता है, जिससे कि डेवलप होते हैं, एस्टैब्लिश होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं रिलेशंस, जो भी वो एम्प्लॉयज होते हैं, मैनेजर का एम्प्लॉयज के साथ, एम्प्लॉयज का मैनेजर के साथ, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज के साथ, सारी चीजें होती हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, जो भी रिलेशन उनका बनता है वो होता है कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये थे फीचर्स बिजनेस कम्युनिकेशन के। आगे देखते हैं स्कोप और फंक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या क्या फंक्शंस होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो नंबर वन है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। द प्राइमरी एम ऑफ कम्युनिकेशन इज टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टारगेट पर्सन और ग्रुप। तो जो प्राइमरी एम होता है कम्युनिकेशन का,
वो क्या होता है कि आप अपनी बात किसी टारगेट पर्सन तक पहुंचाओ या फिर किसी ग्रुप तक पहुंचाओ, ठीक है, आपको कुछ बात कहनी है, ठीक। तो एम क्या होगा कम्युनिकेशन का कि वो आप बात जिस पर्सन से आप कहना चाहते हो या बताना चाहते हो वो उस तक पहुंच जाए, ठीक है, वो एक प्राइमरी एम होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैव टू बी कम्युनिकेटेड इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, काफ़ी सारी तरह की बातें, काफ़ी सारी तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पे कम्युनिकेट होती है, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में और आपकी डेली लाइफ में भी, ठीक। लाइक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स पॉलिसीज, रेगुलेशंस, लॉज, चेंजेस, डेवलपमेंट्स एटसेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह की कम्युनिकेशंस होते हैं, किस किस तरह की इंफॉर्मेशन इधर उधर होती है, इंफॉर्मेशन कैसी होती है, वो पॉलिसीज से रिलेटेड हो सकती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस वगैरह होंगे, रेगुलेशंस हो सकते हैं, लॉज हो सकते हैं, चेंजेस, डेवलपमेंट, सब चीज़ें होती हैं, क्या, इंफॉर्मेशन वहाँ पर चेंज एक्सचेंज होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हम बात करें इफेक्ट्स की, कम्युनिकेशन इज पावर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस पर्सन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। इफेक्ट यहाँ पे क्यों दिया है, इफेक्ट मतलब है यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना, किसी पर प्रभाव पड़ना। प्रभाव कैसे पड़ेगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस पर्सन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। एक मैनेजर आएगा भाई, वो अपने एम्प्लॉय से बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगा, थोड़ी तारीफ कर देगा, ठीक है, तो क्या करेगा एम्प्लॉय, जो वो काम बताना चाहेगा मैनेजर उसको वो कर देगा, ठीक है। आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने शब्दों से, ठीक है, आप अपने अच्छे अच्छे उसको दो चार तारीफ कर दो, थोड़ा मक्खन लगा दो, तो वो इंसान आपका काम कर देता है, ठीक है। तो इफेक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन से भी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने आपकी कैसी, आपका कैसा बिहेवियर है, आपके कैसे वर्ड्स हैं, आप कैसे वर्ड्स यूज़ करते हो किसी पर्सन से बात करते समय, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू इन्फ्लुएंस पर्सन, वो एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कम्युनिकेशन जो है इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करता है पर्सन को, लोगों को, इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू गिव बेटर परफॉर्मेंस, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसने अपनी पूरी मेहनत के साथ काम किया है, ठीक है, और वो अच्छे से कर पाया, जो भी हम चाहते थे वो काम हो गया, तो आप उसको अप्रिशिएट करो, उसकी थोड़ी उसकी तारीफ कर दो, ठीक है, तो वो अगली बार और ज़्यादा अच्छे से उसमें अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा और अच्छी कर पाएगा, ठीक है। द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट टू क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरमेंट इन वर्किंग रिलेशन एटसेट्रा, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जो भी मतलब जब आप एक क्लास में हो, ठीक है, क्लास में 30-40 बच्चे हैं, तो आप एक उनसे कम्युनिकेट करके एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। फिर जब आप नए नए स्कूल में जाते हो, शुरू में आपको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती है, तो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हो उस एनवायरनमेंट से, ठीक है, टीचर्स हों, वो आपके फ्रेंड्स हों, ठीक है, लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, तो आप एक फेवरेबल इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट कर चुके होते हो अपने कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक, इन मोस्ट केसेस कम्युनिकेशन एम्स टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। काफ़ी सारे केसेस में कम्युनिकेशन का एम रहता है कि वो प्रोवाइड करे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब कुछ परेशानी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लोगों में, तो उसको सॉल्व करने, उसको वो सॉल्व कैसे करेंगे, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो सॉल्व करेंगे, बात रखेंगे, जब वो एक दूसरे की बात को सुना जाएगा, एक दूसरे अपनी बात रखेगा, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन, जो मैनेजमेंट है और जो यूनियन है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसका एम क्या होता है कि वो फाइंड करें सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी परेशानियां हैं उनके सॉल्यूशंस को वो फाइंड करें और उनको सॉल्व करें, ठीक है। डेवलपिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कम्युनिकेशन से क्या होता है, डेवलप होती है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, फैसला लेने की कहें तो एबिलिटी एक डेवलप होती है। देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक ज़रूरत रहती है काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, ठीक है, अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन की फॉर डिसीजन मेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, ठीक है, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जब आप इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सचेंज करोगे, मैनेजर के साथ अपनी बात रखोगे, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ अपनी बात रखोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ आइडियाज एटसेट्रा, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी और आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपनी डेवलप कर पाओगे, ठीक है। दस कम्युनिकेशन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, जब आप अपनी बात रख पाते हो, ठीक, तो उससे आपकी एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपने आप डेवलप होगी, ठीक है, जब आपको अपनी बात रखनी आ जाएगी, अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी आ जाएगी, ठीक है, आप अपने आइडियाज शेयर करोगे, आप अपने थॉट्स शेयर करोगे, ओपिनियन शेयर करोगे, ठीक है, तो वहां पे आप काफी सारी चीजें सीखोगे, अपनी एबिलिटी डेवलप करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नंबर 5, हेल्पिंग पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या करता है, एक पॉजिटिव चेंजेस लाता है, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस लाने में हेल्प करता है।
द इफेक्टिवनेस ऑफ चेंज इंट्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, इट इज द कम्युनिकेटर हु आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स थ्रू कम्युनिकेशन एंड देयर बाय प्रॉपर स्टेप्स आर टेकन फॉर डिजायरेबल चेंजेस इन द इन वर्किंग प्लान्स. अगेन वही चीज आ गई, एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज हो गई है. ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ चेंज इंट्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कम्युनिकेटर होता है. ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी चीज़ है, तो थ्रू कम्युनिकेशन एंड देयर बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू प्रॉपर स्टेप्स लिए जाते हैं. ठीक है, फॉर डिजायरेबल चेंजेस इन वर्किंग प्लान, जो भी उनके वर्किंग प्लान हैं, जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी कम्युनिकेशन गैप है, उस चीज़ को वो पूरा करता है. कौन, कम्युनिकेटर, या फिर उस चीज़ को वो ठीक करता है. ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई होती हैं. ठीक है, तो उससे एक पॉजिटिव चेंज आता है. किसके थ्रू आया, कम्युनिकेशन के थ्रू. ठीक है, जैसे रियल लाइफ में आपके आपके फ्रेंड से कोई लड़ाई हो जाती है, कोई बहस हो जाती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आप उसको बात करके सॉल्व कर लेते हो, सॉर्ट कर लेते हो और फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हो. उसी तरह से ये सब चीज़ें पॉजिटिव चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आते हैं. ठीक है, तो आप रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कम्युनिकेशन डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में और हर दिन ही आप ये सब चीज़ें करते हो. ठीक है, सेकेंड है, सॉरी सिक्स्थ है हमारा ग्रुप कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ग्रुप का भी यहाँ कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशंस. ग्रुप गेट अनकोऑर्डिनेटेड व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप इन द ग्रुप. ठीक है, तो ग्रुप का यहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कम्युनिकेशन जो है हेल्प करता है एस्टैब्लिश करने में रिलेशंस, जैसा कि अभी हमने पहले भी जाना. ग्रुप्स गेट अनकोऑर्डिनेटेड व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप इन द ग्रुप. अगर किसी ग्रुप में कोई लोगों का ग्रुप है, ठीक है, वो अनकोऑर्डिनेटेड हो जाता है. ठीक है, जब उसमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है. ठीक है, उनमें कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, एक साथ काम करने वाली एबिलिटी खत्म हो जाती है. ठीक है, फीलिंग खत्म हो जाती है, वो एक साथ काम करने वाली, एक साथ हमें काम करना है, हमें ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे उनको अचीव करना है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो. देयरफॉर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग फेवरेबल वर्किंग कंडीशन इन अ ग्रुप. तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है कोई फेवरेबल वर्किंग कंडीशन डेवलप करने के लिए किसी भी ग्रुप में. ठीक, फिर लास्ट पॉइंट है इसमें एंटरटेनमेंट, काफ़ी अच्छा पॉइंट है. ठीक है, तो हम जब कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तो वो एंटरटेनमेंट जो हम कर पाते हैं वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो पाता है. ठीक है, एवरीबॉडी नीड्स एंटरटेनमेंट आफ्टर हिज डेली रूटीन ऑफ वर्क. अगर एम्प्लॉयज हैं, वर्क कर रहे हैं वो सुबह से शाम तक, तो उनको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी मांगता है. ठीक, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है. ठीक है, आप भी स्कूल में इतने अच्छे नहीं हो कि आप स्कूल जा रहे हो और आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो. ठीक, और स्कूल लाइफ का मतलब यही है कि आप पढ़ाई भी करो, मज़े भी करो, पूरा एंजॉयमेंट अपना लो. ठीक है, तो आप एंटरटेनमेंट जो रहता है आपको, वो क्यों रहता है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही रह पाता है. ठीक है, कई बार टीचर्स जोक्स क्रैक कर जाते हैं क्लास में, कई बार आप टीचर से काफ़ी जोक्स वगैरह मार लेते हो. ठीक है, काफ़ी बातें कर लेते हो. एक बैक बेंचर होता है क्लास में, हर क्लास में. ठीक है, वो बैक बेंचर पूरी क्लास को एंटरटेन कर देता है. ठीक है, वो तो वो सब कैसे हो रहा है, वो एक कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो पाया है. ठीक है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ. ये एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है या फिर प्ले करता है कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में. अ पर्सन इनडायरेक्टली लर्न्स अ लॉट फ्रॉम एंटरटेनमेंट विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. एक पर्सन इनडायरेक्टली वे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है उस एंटरटेनमेंट से भी. ठीक है, अपनी डे टू डे लाइफ में या फिर कहें तो कम्युनिकेशन के थ्रू. ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट है. ठीक, तो ये थे हमारे कुछ फंक्शंस जो थे बिजनेस कम्युनिकेशन के. आगे देखते हैं मेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो हम जानेंगे. देयर आर फाइव एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एज गिवन बिलो. तो पांच एलिमेंट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन में, वो होते हैं, वो हैं ये. ठीक है, कम्युनिकेटर, रिसिपिएंट, मैसेज, चैनल और फीडबैक. ठीक है, इनको समझते हैं, पहले थोड़ा पढ़ते हैं इनको. नंबर वन एलिमेंट जो हमारा है वो है कम्युनिकेटर. ठीक है, अभी कम्युनिकेटर होता कौन है, सेंडर, स्पीकर, राइटर एटसेट्रा हु टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग. ठीक है, आप हो खाली बैठे हुए हो, बोर हो रहे हो. ठीक है, आपने व्हाट्सअप उठाया, अपना मैसेज टाइप करा अपने किसी दोस्त को, तो आप कौन हो गए, कम्युनिकेटर, क्योंकि आपने वो मैसेज सेंड किया है. ठीक है, आपने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपको कम्युनिकेशन उससे शुरू करना है, आपने कम्युनिकेटिंग शुरू कर दिया. ठीक है, उससे कम्युनिकेट करना आपने शुरू कर दिया. ठीक है, तो स्टेप, फर्स्ट स्टेप किसने लिया, आपने, तो आप हो गए कम्युनिकेटर. ठीक, सेकंड नंबर है रिसिपिएंट, द रिसीवर हु रिसीव द मैसेज, ऑर्डर, इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा. आपने अपने दोस्त को कॉल की, मैसेज किया, उसने वो उठाई कॉल या फिर उसने आपके मैसेज को देख लिया. ठीक है, तो वो हो गया रिसीवर, जिसने भी, जिसको भी आपने मैसेज भेजा है या कोई ऑर्डर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन दिया, आपने उसको कॉल किया, तो वो हो गया रिसीवर. ठीक है, मैसेज, द मैसेज इज द मेन एलिमेंट इन स्टेटमेंट, ऑर्डर, इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटेजी और सजेशन. ठीक है, मैसेज हमने पहले भी अभी जाना, जब आपने उसको मैसेज किया तो आपने हाय उसको लिखा. ठीक है, उसने लिखा हेलो.
ठीक है, आपने उससे पूछा कि क्या कर रहा है, ठीक, या फिर इस चीज का, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तूने वर्क कर लिया या नहीं, इसका होमवर्क कर लिया या नहीं, तो आपके पास क्या है, एक मैसेज है, ठीक है, जो कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, वो कोई ऑर्डर भी हो सकता है, कि कुछ भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, तो वो हो गया एक मैसेज, जो चीज़ आपने उस तक पहुंचाई है, ठीक है। फिर वो उसको देखेगा, वो रिसीवर है, आप सेंडर हो, और जो आपने इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई है वो हो गया मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट है चैनल, द चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन रीचेज द कम्युनिकेटर टू कम्युनिकेट, ठीक है। चैनल, अब वो जो आपने बात उस तक पहुंचाई है वो किस चीज के थ्रू पहुंची है, व्हाट्सएप पे भेजा है मैसेज, इंस्टाग्राम पर भेजा है, फेसबुक पर भेजा है, या फिर आपने कॉल कर ली उसको, ठीक है, तो वो हो गया चैनल। किस मीडियम के थ्रू वो बात उस तक पहुंची है, कॉल के थ्रू पहुंची है, तो कॉल क्या हो गया, चैनल, ठीक है। फीडबैक की अगर हम बात करें, द फीडबैक इज द इम्पैक्ट और रिएक्शन विच रीचेज बैक टू द कम्युनिकेटर इन रिस्पॉन्स टू द डिलीवर्ड मैसेज। आपने उससे पूछा भाई क्या कर रहा है, उसने कहा कुछ नहीं भाई, खाली बैठा हूँ, ठीक, तो वो हुआ फीडबैक। आपने उसको मैसेज किया, इनिशिएट करी आपने चैट, आप हो गए सेंडर, जिसको आपने भेजा वो हो गया कौन, रिसिपिएंट, जो मैसेज आपने उसको भेजा वो हो गया मैसेज, ठीक है। किस चीज के थ्रू वो मैसेज उस तक पहुंचा है, व्हाट्सएप, कॉल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो हो गया आपका चैनल, ठीक है। उसने क्या रिप्लाई करा है, क्या रिस्पॉन्ड किया है आपके भेजे हुए मैसेज का, वो हो गया आपका फीडबैक, ठीक। तो ये होते हैं 5 एलिमेंट्स बिजनेस कम्युनिकेशन के। फिलहाल इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जो कि हैं मेन एलिमेंट्स, ठीक, फंक्शंस हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के जाने, बिजनेस कम्युनिकेशन के जाने, ठीक है, फीचर्स हमने पढ़े बिजनेस कम्युनिकेशन के, और मीनिंग डेफिनेशन हमने बिजनेस कम्युनिकेशन का जाना। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दूसरे दोस्तों को भी लाओ, उनके साथ शेयर करो वीडियोस, और अगर आप सेकंड सेमेस्टर तक आ चुके हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।